वेलकम दोस्तों, मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा जिस अनादर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम। और आज हमारे साथ में है अमेजिंग पर्सनालिटी फील। अच्छा से मैं बताना चाहता हूँ द मैन, वन सेकेंड, यस द फील अच्छा द पवन, मैं बताना चाहता हूँ ये है लाइफ कोच कम द थॉट प्रोसेस माइंड एक्सपर्ट। और लोगों के लाइफ में जो थॉट प्रोसेस के साथ में जो मेंटल हेल्थ होती है या जो कुछ भी डिप्रेशन, सो मेनी इश्यूज जो हम उनके साथ में डिस्कस करेंगे, माय फ्रेंड ही हैज क्रॉस मोर देन 4 लाख एंड कंसल्ट नाउ आई बिलीव कि ही इज मेकिंग मोर देन 2-3 लाख रुपीज पर मंथ जस्ट स्टार्टेड नाउ। बट ही इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसर, ही इज हैविंग लैक्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन हिज फेसबुक एंड चैनल। ऑल्सो ही वर्क विथ फेसबुक पार्टनर प्रोग्राम मेड इन लैक्स ऑफ रुपीज आज ऑल्सो देयर। मैं उनका ब्रेन लेने वाला हूँ आज कि ऑनलाइन जीरो से चालू करके लाखों रुपए कैसे कर सकते हैं। वो भी तो बात सही है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो डाउन, निगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आना है, बाउंस बैक कैसे करना है, इवन इफ यू आर फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज और फाइनेंशियली चैलेंज, डजेंट मैटर। दोस्तों अमेजिंग इंटरव्यू होने वाला है, तो कैसे इंटरनेट पे जीतना है ये हम डिस्कस करने वाले आज पवन जी के साथ में। पवन जी, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा टू दिस इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। पहले तो आपके लिए बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं कि आप इन द शॉर्ट वर्ड्स कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट कि आप लाइक हु यू आर, व्हाट यू डू एंड अ लिटिल बिट जर्नी ऑफ यू। यस वेलकम। जी जी नमस्कार सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मार्गदर्शन में जो चीजें मैंने सीखी, 2 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके मार्गदर्शन में जो चीजें मैंने सीखी वो सीखा कि सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, कि आपको लगातार निरंतरता के साथ करना होगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, छोटा सा इंट्रो। पवन यादव मेरा नाम है और मैं रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ और फिजिकली भी चैलेंज्ड हूँ मैं लेफ्ट लेग से, और फिनेंशियल भी मुझे दिक्कतें बहुत रही हैं। बट हाँ, सर ने अभी बोला ना कि कंसिस्टेंसी, जो मैंने सर के इस कम्युनिटी से, प्रोग्राम से सीखा, वो सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी, कि छोड़ना नहीं है भाई। दिक्कत है, रुको आगे बढ़ो, दिक्कत है रुको सीखो आगे बढ़ो, प्रयास प्रयत्न, प्रयास प्रयत्न, ये चीज मैंने इस कम्युनिटी से सीखी है। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि इनके मार्गदर्शन में मैं इतना आगे बढ़ पाया। शुक्रिया, शुक्रिया गुरु जी। तो बेसिकली जैसे आप बताते हो कि यू आर वर्किंग इन अ पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, तो जैसे रेवेन्यू मैंने बताया कि और मतलब आपने एक आध साल तो आपका लर्निंग में गया होगा, प्लस माइनस डाउन है बिलीव, लेकिन आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे जैसे आपने मुझे कल पिंग किया था, यू क्रॉस मोर देन 4 लाख्स और आई थिंक 2x 3x ऊपर से आरओए से, अभी तो चालू है सेप्टेम्बर का, आपका इस महीने का गोल है 5 लाख का, वो भी तो करके रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रिजल्ट के बारे में बताएंगे, तो आपने हाउ मच यू स्पेंड ऑन द एड्स मार्केटिंग, और थोड़ा बहुत आप ही आपके जर्नी के बारे में बताओ। लेकिन उसके पहले व्यूअर्स बताना चाहता हूँ मैं आपको, डजेंट मैटर आप कौन से धंधे में है, कौन से बिजनेस में है, कौन से सिटी से है, कस्बे से है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ भी रहने दो, मैं आपको इनका ब्रेन ऐसा लेने वाला हूँ कि हाउ यू कैन कम फ्रॉम माइनस टू द प्लस में वो भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर। तो आप थोड़ा नोट्स बनाओ, फटाफट 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 नोट्स बनाना है, एक 30 मिनट ब्लॉक करना है, डोंट मिस एनीथिंग देयर। और कुछ आपको अच्छा लगता है हिट लाइक टू द फॉर फील अच्छा एज वेल, राइट। तो यस, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि भवन जी, बिफोर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल, आफ्टर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल, आपको थोड़ा जर्नी बताओ कि आप एग्जैक्टली हाउ यू स्टार्टेड, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या करते हो आप, उसके बाद में हाउ एग्जैक्टली आप इस इंडस्ट्री में उतरे, मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस आपने, डिफिकल्टीज फेस की, नाउ हाउ एग्जैक्टली आपने कोड क्रैक किया है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर के लिए वैल्यू मिले तो थोड़ा बेटर रहेगा। यस सर, मैं बता देता हूँ, मैं डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस किया, 2 बार फेल हुआ, 2012 और 2015, फिर उसके बाद फिर बाउंस बैक किया 2017 में, फिर वो बिजनेस टिका आराम से। तो उस बिजनेस के साथ मुझे 2017 में मेरे एक दोस्त की सुसाइड कर लिया, मतलब उसने मेरा बिल्कुल जो कहते ना बचपन का लंगोटिया यार, उसने घर के साथ घर 2017 में, तब मैंने लिखना शुरू किया था। मैं पढ़ने का शौक मुझे हमेशा से रहा है, पीछे बुक्स दिख रही है, सेल्फ हेल्प की बुक्स में हमेशा से पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ। एक लंबा दौर रहा है बचपन में निराशा हताशा का, क्योंकि जब आप हैंडीकैप्ड होते हो, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, अनपढ़ गांव में होने वाले हो, तो चीजें आपके लिए उतनी अच्छी होती नहीं, लोग बड़ी बड़ी गंदी नजरों से देखते, इसको क्या हो गया। मैं चलने से डरता था, रिश्तेदार आते हैं किसी के, लोग खुश होते हैं, मेरे घर पे कोई रिश्तेदार आता था बचपन में, मैं दुखी होता था, छुप जाता था कि मैं चलूंगा कैसे इनके सामने।
इस लेवल की डिप्रेशन निराशाता सा झेली है बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 22 साल तक मैं इस पैटर्न्स में रहा हूं, लगभग 22 साल तक। धीरे धीरे चीजें शुरू हुई, पढ़ना शुरू किया, फिर 2017 में दोस्त ने सुसाइड किया, तब मुझे लगा यार ये गड़बड़ है, ये गलत है। क्योंकि ख्याल मेरे पास भी ऐसे बहुत बार आए हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। 10वीं क्लास में था, स्कूल जा रहा था, ऐसे पैर पे हाथ रख के चलता था मैं, कैलिपर भी नहीं होता था, मैं नाली में गिर गया। 10वीं क्लास 2004 की बात है ये, नवंबर 2004 याद है मुझे, डेट याद नहीं है, नाली में सर्दियों के दिन रोता हुआ घर आया। रोया बहुत हूं मैं मेरी माँ के साथ, बहुत रोया हूं। और मैं जब दोस्त ने सुसाइड किया, मेरे अंदर ऐसे ख्याल है, तब मुझे स्ट्रोंगली हुआ। फिर 2018 में गुड़गांव के एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया, दो दोस्तों ने सुसाइड किया, मैं उनको बचा नहीं पाया। आज मैं ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है अपने पास, कनाडा से, इंटरनेशनल लेवल के लोगों को मैं हेल्प करता हूँ, बचाता हूँ। 2017 में मैंने लिखना शुरू किया था फेसबुक पे एज ए हॉबी, एज ए पैशन, मुझे लिखना पसंद है। बस वो जर्नी धीरे धीरे शुरुआत हुई, वो फिर फेसबुक पे मैं ग्रो करने लगा, लोग पसंद करने लगे, प्यार करने लगे। 2020 में जिस दिन लॉकडाउन लगा, उससे 6 दिन बाद मेरा पेज हैक हो गया, लगभग 45,000 फॉलोवर थे, पेज हैक हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा बाउंस बैक किया, सेम डे दूसरे नाम से पेज बनाया, फील अच्छा, मैं अब डबल ए है, उसमें सिंगल ए था, फिर किया, आज उससे भी डबल, 1,16,000-17,000 फॉलोवर अब सभी की दया से हैं फेसबुक पे अपने। आज सिखाता हूं लोगों को, बस शुरुआत की थी लिखने से, शौक से, फिर लोगों को समझ पाया उनके कमेंट्स को फ्री में। सर मैं बता दूं आपको, पहले मैं जूम नहीं था, जियो भी नहीं था, मैं व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई करता था लोगों की, सर ये परेशानी आ रही, बताओ ना क्या करें, सर ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसी सोच रही हूँ। और एज ए कंट्री लेवल 15 से 35 साल की उम्र में सबसे ज्यादा हम सुसाइड करते हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा हम सुसाइड करते हैं इंडिया, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ सुसाइड 15 से 35 साल। आप लोगों को पता नहीं होगा, आज 31 अगस्त को मैं गुरु के साथ हूं, 29 अगस्त को कोटा के अंदर दो बच्चों ने, एक 18 साल का महाराष्ट्र से और एक 16 साल का बिहार से, दो बच्चों ने सुसाइड किया है। अंदाजा लगा लीजिए आप, एक एज ए देश, एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, हम कहां जा रहे हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, यस। तो ये आप बहुत बहुत, मतलब मैं तो बोलता हूँ ये जबरदस्त काम आप कर ही रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा गियर शिफ्ट करना चाहता हूँ लिटिल बिट। ये आपका स्किल है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। आपको बड़ा इम्पैक्ट करना है तो क्लाइंट भी चाहिए, लीड भी चाहिए, लोगों को सेवा करने तो लोगों तक तो पहुंचना भी तो चाहिए, राइट? बिफोर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल क्या दिक्कतें रही थी कुछ आपको, कस्टमर विस्टमर कुछ आने में कुछ गड़बड़ हो रही थी, राइट? हाउ एग्जैक्टली यू आर गेटिंग मोर क्लाइंट्स, पेड क्लाइंट्स, और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका नाउ? मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि ये आपका काम तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट पार्ट, लेकिन क्या दिक्कत है आप बिजनेस के रिलेटेड ग्रो करने से रिलेटेड, क्या दो तीन प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे और उसको कैसे फायदा हुआ इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल से, एफडीपी चैलेंज से, या अपना अप लेवल से? उसका फायदा ये हुआ सर, मैं करता था ऑर्गेनिकली, ठीक है, कभी आया मैसेज कर दे, लोग सीरियस नहीं लेते थे, दिन में 2-4-10 लोगों की हेल्प होती थी मुश्किल से। अब इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल में आया, एफडीपी चैलेंज में मैं आया था, आपको बता दूं दोस्तों मई 2021 में मैंने सर को ज्वाइन किया था, बस उसके बाद कर नहीं पाया, दिक्कतें थी, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। फिर मैंने सीखा फेसबुक एड्स, पहली बार पता चला कि अच्छा फेसबुक एड भी कोई चीज होती है, फेसबुक यूज करता था बस, मुझे एड्स का कोई नहीं पता था। बिजनेस कैसे हो सकता है, आई मीन टू से मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूं एज ए माइंड, एज ए थॉट, और आप मुझे पैसे दे, वो बिजनेस, वो सेलिंग नहीं थी सर, डर लगता है आज भी लगता है सेलिंग से, मोनेटाइज नहीं कर पा रहे थे, मोनेटाइज नहीं कर पा रहा था, जीरो सेल्स होती थी, प्रॉफिट नहीं था, अपना टाइम अपनी एनर्जी लगाता था। और लोग, बता दूं सभी को, लोग फ्री में ना सीरियस भी नहीं लेते, Absolutely, no. फ्री में सीरियस भी नहीं लेते। मैं आया, मैंने सीखा, मुझे फनल के बारे में पहली बार मई 2021 में पता चला फनल नाम की कोई चीज होती है, बनाया नहीं मैंने, 2 साल निकल गए, बट हाँ फनल नाम की कोई चीज होती है। फिर सर से 6 महीने बाद मुलाकात होती है, क्योंकि मेरा फेसबुक का एक प्रोग्राम आया, उसमें बिजी होगा। फिर सर ने मुझे पूछा पवन कहाँ हो, पवन वहीं का वहीं खड़ा है। फिर बाउंस बैक किया, फिर 6 महीने रुक गया, फिर सर ने पूछा पवन कहाँ हो, गुरु ने भी साथ नहीं छोड़ा मेरा। ये सच है, ये कम्युनिटी का फर्क है कि आपको जब भी दिखते हो, हाँ भाई कहाँ हो, कौन, क्या कर रहे हो, बताओ, जब आगे से आपका मास्टर, आपका मेंटोर कहता है ना कहाँ हो, बड़ी हिम्मत मिलती है कि चलो यार कोई तो पूछ रहा है, कोई तो है कि पूछ रहा है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो।
तो बस दो तीन बार ऐसा हुआ। और हाँ, इंटरनेट ट्रैफिक गूगल से मुझे फेसबुक एड्स, कितनी एड कब कहाँ कैसे लगानी है। एक वो दिन था कि मैं 200 रुपए से शुरू किया था और आज FDP की वजह से मैं पर डे के 4,000 रुपए से ज्यादा खर्च करता हूँ फेसबुक पर डे, चौबीस घंटे में। दिस इज जस्ट स्टार्ट, ये जस्ट जस्ट दिस इज जस्ट स्टार्ट। सर एक्चुअल बता दूं, 2 ही महीने हुए हैं, 1 जुलाई से शुरू किया है, फुल कंप्लीटली आज 2 ही महीने हुए हैं, और 2 महीने में सुपर, मैं 0 से 4,000 रुपए आ गया, ऑसम ऑसम। तो सब आपकी बेसिकली वजह से। तो 1 लाख प्लस ही, मतलब अभी देखा 2 महीने से आपने 4 लाख तक लेके गए, मतलब 2 लाख प्लस पर मंथ। मुझे पता है यस नेक्स्ट मंथ आप 5 लाख भी हिट करेंगे। दोस्तों इसी गाइस, देखो सिंपल बात बताना चाहता हूँ मैं, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी ज्ञान है, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तब जाके आपकी समाज सेवा भी होगी और पैसा तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर फनल होना चाहिए, प्रॉपर पुश होना चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप होनी चाहिए, प्रॉपर आई एम टेलिंग यू एंड टू एंड पूरा जर्नी, तब जाके आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो एग्जैक्टली पवन जी, बहुत बढ़िया है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं पे देख रहे हो, डजेंट मैटर आप क्या बिजनेस में, उसका कुछ मैटर नहीं करता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि आप को जो आउटपुट चाहिए, रेवेन्यू वाइज, लीड वाइज, क्लाइंट वाइज, मनी वाइज, हैप्पीनेस वाइज, क्या आपको मिल रहा है सफिशियंट? थोड़ा कमेंट, क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, थोड़ा कमेंट बॉक्स में शेयर करो बिफोर वी गेट इन टू सोल्यूशन, बिकॉज मैं इनका ब्रेन भी लेने वाला हूँ, कैसे स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या क्या टूल यूज करते हैं, वो भी मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ये आपको डिकोड करना बहुत जरूरी है। 2-3 लाख कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, पहला जो 1 लाख रुपए जो कमाना है, उसके लिए जो ब्लड स्वेट मेहनत जो लगता है ना, यू कैन सी 1 करोड़, उसको भी नहीं लगता। तो जो फर्स्ट 1 लाख है, फर्स्ट 3 लाख इज रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। डेफिनेटली नेक्स्ट में अगर हमारा 1 करोड़ रेन मेकर ही होगा। तो पवन जी, बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपने बहुत सारे बिजनेसेस भी किए हैं, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो बेसिकली वो बिजनेस से आपने, व्हाई डिड यू क्विट फ्रॉम, आप वो क्विट करके आप इसमें क्यों उतरे? या आप जॉब कर रहे थे, जॉब किया आपने कभी? नहीं, मेरा बिजनेस ही रहा है हाँ, सर। तो उस बिजनेस से इस बिजनेस में कैसे उतर गए? कि व्हाट इंस्पायर यू, आपको क्या यस एक्साइट करता है, क्या मोटिवेट करता है? जैसे आपने तो स्टोरी बताई, मैं जानता हूँ आपने स्टोरी पूरा बताया कि क्या करते हैं, फिर भी आपने कमर्शियली कैसे उतर गए इसके अंदर? बताते हैं। एक्चुअल में सर, जब FDP से जुड़ा तब अंदर से जाना बिजनेस को, कि लोग भी कर रहे हैं ये काम, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे से पहले 2021 में बहुत से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे, वहां पे मुझे आप दिखे और लोग मिले। तो एग्जैक्टली मुझे ये मिला कि यार नहीं, अगर आप एक्चुअल में प्रॉपर लर्निंग सिस्टम के तहत अगर बिजनेस में उतरते हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, चाहे आप सब्जी बेच रहे हो चाहे आप सर्विस बेच रहे हो, डजेंट मैटर, अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम के तहत, एक मेंटोरशिप के तहत अगर आते हो, तो हाँ चीजें बदलती है। दूसरी बात, ये मेरा पैशन था, लिखना, समझाना, लोगों की हेल्प करना, ये पैशन मेरा कैरियर, FDP ने हेल्प किया मुझे इस पैशन को कैरियर में कन्वर्ट करने के लिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत। दूसरी बात, एक और चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, FDP से पहले फेसबुक का आता था एक बूस्ट पोस्ट, पोस्ट को बराबर, बूस्ट कर दो, हाँ बराबर। मुझे 3 रुपए में, 3 रुपए में एक फेसबुक का फॉलोअर मिलता था जब मैं बूस्ट करता था। अगर आज मैं चलाऊं, हालांकि जरूरत नहीं है, अगर आज मैं चलाऊं तो 1 रुपए में 10 फॉलोअर ले आता हूं मैं, आज मैं चलाऊं तो। ये है FDP का फर्क, 3 रुपए से 1 रुपए में 10, कहां 3 रुपए में एक, कहां 1 रुपए में 10। दैट इज द पावर ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटर्जी, ये जो प्रोग्राम है FDP का, फेसबुक ऑल राइट प्रोग्रेशन। ऑल राइट ऑल राइट, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता आपको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन जी थोड़ी बात अभी हम थोड़ा बहुत गियर शिफ्ट करेंगे कि भैया हमारे व्यूअर तो देख ही रहे, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत हम थोड़ा टेक्निकल चीजों में घुसेंगे थोड़ा बहुत, तो आज की एग्जैक्टली हाउ डू यू मेक एन ऑल दैट, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि आपका थोड़ा जर्नी हमें डिकोड करना है, करंटली आपका ऑफर क्या होता है, कौन से टाइप के कैंपेन आप लगाते हो, लीड आने के बाद हाउ डू यू नर्चर देम, हाउ डू यू सेल देम, थोड़ा ये चार चीजें, बिकॉज हमारा एक ब्लूप्रिंट है, रेन मेकर ब्लूप्रिंट, अट्रैक्ट, नर्चर, सेल एंड फॉलोअप, ये थोड़ा सा आप
सिंपल, मुझे पता है आपने बहुत माइनस में जीरो से चालू किया है, 2 महीने में आप 2 लाख 3 लाख तक भी लेके गए हो, आगे भी जाएंगे जरूर, तो ये थोड़ा हमें डिकोड करे कि कौन से टाइप के आप वीडियो कंटेंट रन करते हो, एड रन करते हो, हाउ डू यू नर्चर देम, कौन सा टूल यूटिलाइज कर, थोड़ा बहुत समराइज कर सकते हैं, हाउ डू यू सेल वेबिनार या 1-to-1 एंड हाउ डू यू फॉलो अप, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो दोस्तों हमारे दोस्त भी नोट बनाएंगे। यस, इसी साल दिसंबर में मैंने एड लॉन्च की, उसके बाद मैं इतना डीप काम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप भाई मेरे साथ 1-to-1 बुक कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, 30 मिनट की 1-to-1 बुक कर लो, आया ठीक है। उसमें भी मैंने सेल निकाली, 30 मिनट 1-to-1 उनसे फ्री करता, फिर उनको बताता ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन है ठीक है। बट अब मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ सर, वीडियो एड लेस देन ए मिनट ये काम करती है, लगभग 25 से 30 एड चल रही है, इमेज एड भी काम करती है, करती है। ये दो तरह के एड चलाता हूँ मैं फिलहाल। ओके, उसके बाद लोग फनल में आते हैं, देखते हैं एड्स को, उसके बाद रजिस्टर कर लेते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद मैं उनके जो दिक्कतें हैं, जो भी उनको दिक्कत आ रही है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि ओवरथिंकिंग है, ज्यादा सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्या रीजन है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, मैं उसके बारे में उनको नर्चर करता हूँ। देन उसके बाद वो फिर मेरे वेबिनार में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उस वेबिनार में आते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ ये तरीका है, आप आज ऐसे हो, किस वजह से हो, ये तरीका है, आप इस वजह से ऐसे हो, बदल क्यों नहीं पा रहे, ये तरीके हैं, 3 चीजें सिखाता हूँ। उसके बाद मैं 3 दिन की वर्कशॉप करता हूँ, उसके लिए उनको इनवाइट करता हूँ 499 में, 3 दिन की वर्कशॉप मेरे साथ लाइव करते हैं वो जूम मीटिंग पे, लाइव एक्टिविटी करवाता हूँ 3 दिन में। देन उसके बाद मैं उनको लाइफ टाइम की मेंबरशिप देता हूँ, ठीक है 3 दिन में आपने सीखा, बोला हाँ बहुत, 3 दिन में बहुत बेहतरीन नतीजे निकालते हैं लोग। देन उसके बाद मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए उनको इन्वाइट करता हूँ। बढ़िया, तो बेसिकली सिंपल चीज है, फेसबुक सोशल मीडिया उसमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ आ गया है उसके अंदर, उसके बाद आप नर्चरिंग करते हो, नर्चरिंग करना बहुत जरूरी है, वैल्यू एडिशन, रिमाइंडर, एक्साइटमेंट, मेकिंग देम फील की रीजन, गिविंग स्ट्रॉन्ग रीजन, वो बहुत जरूरी है, then you do the webinar and बाद में follow up बिल्कुल चलते, तो बहुत बढ़िया है right now। तो मैं आपको थोड़ा सा एक पूछना चाहता हूँ, if you answer like, मैं आपको थोड़ा बहुत ये 3 पॉइंट पूछूंगा। देखो it's not about me only or internet traffic guru, full community सबका है, आपका भी है। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारे और भी ट्रेनर्स है, कोर्सेस है, आपने भी देखा होगा, ट्राई किया होगा, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल या दत्तातुलेस कोचिंग इन मार्केट एंड नाउ? सो आपने क्या डिफरेंस, व्हाई आपने यहाँ पे क्यों, क्या अलग, क्या चीज है, मतलब कोचिंग कहो या सपोर्ट कहो, व्हाटएवर, अलग 3 चीजें क्या है, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? या फिर मे बी जस्ट फॉर इंटरप्ट, मे बी ये हो सकता है कि मे बी दोज आर द सक्सेस फैक्टर्स। यस, पहली चीज है कनेक्शन। मैं आपके साथ सर सिल्वर लेवल पे जुड़ा था तभी भी हमारी बात हुई थी, कनेक्शन था। आप जो पूछना चाहते हो, बहुत से कोर्सेज आज भी होते हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे, वो क्या करते हैं, बेच दिया, उसके बाद कोई फीडबैक नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ कम्युनिटी की ग्रुप कोचिंग है, पर्सनल असिस्टेंस भी मिल जाता है, ज्यादा दिक्कत होती है तो सर अप लेवल में पर्सनल बता देते हैं, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। दूसरी बात, ये सबसे मेन चीज बता देता हूं कि एक माहौल जो होता है ना, अब इस कम्युनिटी में क्या है, सारे एक्शन टेकर, यार मुझे भी बिजनेस ग्रो करना है, मुझे भी करना है। आप वही बनते हो जो आपके आसपास के 5 लोग हैं, उनका एवरेज बनते हो आप। तो आप जब एक बेहतर कम्युनिटी में आते हो तो आप लोगों को देखते हो, काम करते हो, अच्छा यार ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देन दैट इज द मेन थिंग, एक एक्टिव कोड ऑफ ऑनर होने के बाद चीजों को कैसे किया जाता है, एक एक्टिव कम्युनिटी का ये इंपैक्ट होता है। दूसरी चीज, तीसरी, जब आपको दिक्कत आती है तो बिना मेंटोर के ना आप भटकते हो, आप हाउ टू यूट्यूब पे भटकते हो, टाइम लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पे होता है हुम, दिक्कत आ रही है, कौन सॉल्व करेगा, हुम। तो मैं सभी को कहता हूं कि फोकस ऑन हुम नॉट हाउ। हाउ में बहुत समय लगता है, पैसा लगता है, जब आप कौन सिखा सकता है, कौन इस चीज का एक्सपर्ट है, कौन इस चीज को बेहतर कर रहा है, उस कौन को जब जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो निखर जाओगे ये कौन। जनवरी तक 1 करोड़ रेन मेकर में आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा,
जो नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए इसी कॉल के ऊपर दे रहा हूँ, आपका जो चैलेंज है 1 करोड़ रेन मेकर, दैट इज चैलेंज। एंड जैसे आपने प्रोग्राम बताया, आप पर्सनल डेवलपमेंट है, लाइफ कोचिंग में है, माइंडसेट स्ट्रेटजीज में, नेगेटिविटी एंड ऑल दैट, हाँ, तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ 1 करोड़ रेन मेकर 6 मंथ का चैलेंज जो इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल का है। थैंक्स फॉर द बीइंग हियर। नाउ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स है, बिजनेस लेसन रहने दो, लाइफ लेसन रहने दो, रिलेशनशिप मनी लेसन रहने दो, आपके क्या 3 वर्ड ऑफ विजडम है जो आप लोगों को देना चाहेंगे? पहला है निरंतर प्रयास, बेहतर। जैसे आज आपने अपने लिए 2 मिनट काम किया, तो कल वो 2 मिनट मत करो, उसको पहले देखो कि आपने 2 मिनट में क्या सीखा। उसके बाद उस सीखने की प्रोसेस को आप हर दिन कंपाउंड इफेक्ट बताओ। आज मैंने खुद को इतना बेटर किया, कल मैं इससे थोड़ा सा और बेटर करूंगी। बस पहली चीज ये। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, अच्छा लगे ना लगे करना है। रो रहे हो हंस रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है। दुखी हो खुश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना है। आई मीन टू से अच्छा लगे ना लगे, औसत जिंदगी जीनी है तो रहो। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में आना है, क्वालिटी ऑफ पीपल में आना है, समाज के लिए खुद के लिए बेहतर कुछ करना है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हर उस कामयाब इंसान को आप देख लो, वो कंफर्ट जोन से निकला है। यस डेफिनेटली। तीसरा कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई का होना बहुत जरूरी है कि आप कोई काम क्यों करना चाहते हो। मेरा वाई क्लियर है एज ए कंट्री। मेरे देश के लोग मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं। लगभग अपने देश का 2030 तक मानसिक लेवल पे जो प्रताड़ना होगी, जो पीड़ित होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, कई गुना बढ़ने वाली है। तो मेरा इंटेंशन साफ है कि मैं अपने नॉलेज, अपने प्रयास अपने देश के लोगों के लिए लगाऊं, उनको बेहतर करूं, उनको सिखाऊं, उनको समझाऊं, और कम से कम माइंड के रूप में सबसे ज्यादा मजबूत जो चीज हमारे पास दिमाग, इसको हम बेहतर करें। यस, सो बेसिकली वेरी सिंपल है, कंसिस्टेंसी, नेवर गिव अप, एंड द पर्पस के बिना कोई नहीं कर पाता। देखो, फेसबुक एड, फनल, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, AI, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ है दोस्तों, हम भी तो कर ही रहे, लेकिन आपको पता है ये जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए ना, ये कुछ इनविजिबल चीजें हैं, वो बहुत जरूरी है, सही लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। तो पवन जी, थैंक्स फॉर द शेयरिंग योर इनसाइट एंड ऑल दैट। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ मैं, आप भी ऐसे कुछ दिक्कतों में कुछ गुजर रहे हो, मे बी वट एवर इज देर, मतलब देखो लोगों को मोटिवेशन की कमी नहीं, आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे मोटिवेशन यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। इफ यू आर हैविंग एनी लाइक लुकिंग फॉर लाइफ कोचिंग या फिर कुछ मोटिवेशन या कुछ, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ मोटिवेशन की जरूरत नहीं, आपको कुछ टैक्टिस या कुछ प्रोसेस या कुछ मेथड, माइंड प्रोग्रामिंग, हैप्पीनेस और कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक देने वाला हूँ मैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक रहेगा। फील अच्छा, उनका यूट्यूब चैनल भी उसी नाम से, फेसबुक चैनल भी है। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गो एंड चेक आउट पवन्स वर्क, कैसे काम है, ऑलरेडी लाखों लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। देखो दोस्तों, डोंट गो बियॉन्ड लाइक ओनली वीडियोज, लेकिन आप थोड़ा फॉलो करो, देखो, चेक मोर डिटेल्स अबाउट हिम, लर्न मोर अबाउट, मैं पूरे लिंक नीचे दूंगा उनके फिलाचा के नाम से। सेकेंड थिंग, बिजनेस में आप कुछ भी कर रहे हो, आपका बिजनेस ई कॉमर्स में है, ट्रेनिंग कोचिंग में है, लोकल बिजनेस है, डजंट मैटर क्या है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट सॉल्यूशन सर्विस जो है आपके पास या नहीं भी है, और आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, क्लाइंट बढ़ाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हो, तो चैनल कुछ भी हो सकता है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, मल्टीपल चैनल्स है, फनल है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, AI टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल आपकी सेवा में हाजिर है। तो आप कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं नीचे लिंक दूंगा, चेक आउट माय अपकमिंग वेबिनार वर्कशॉप। आपने मेरे टीम से डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं तो आपका जर्नी आज ही चालू करे, क्या आप पवन जी एक शब्द कहेंगे, मतलब कि आपका जो व्हाटएवर लेवल यू आर इन माय पर, आप यू आर इन माय पर्सनल मेंटरशिप एज वेल, क्या आपका पैसा वसूल हुआ जो कुछ भी इन्वेस्ट किया आपने? सर, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। देखो, हम सब चीजें अपग्रेड करते हैं, गाड़ी, घोड़ा, मकान, फोन, सब कुछ, बट अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं मैं, खर्चा नहीं बोल रहा, इन्वेस्टमेंट, तब हम पीछे हट जाते हैं, चाहे वो सेल्फ लर्निंग हो चाहे बिजनेस की लर्निंग हो। एक लगभग एक आम इंसान, पूरे देश की बात कर रहा हूं, 20 साल और 10 लाख रुपए खर्च करके उस प्रोसेस में होता है, स्कूलिंग, एजुकेशन आप देख रहे हो।
20 साल खर्च करने के बाद, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसको 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती। यहां पे क्या है, आप सिल्वर लेवल पे आते हो हमारे या सर के, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट आप आते हो 5-7 हजार रुपए आप खर्च करके अपने लिए सीखते हो, तब आपको पता चलता है यार ये एजुकेशन सिस्टम जो प्रूवन है, काम करता है, नतीजे देता है, इसका इम्पैक्ट अलग होगा, इसकी स्किल्स अलग है उन एजुकेशन सिस्टम से। मैं उस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं, बट आप अगर यहाँ पे आते हो तो चीजें अलग लेवल पे सीखने को मिलती, तरीका अलग है। ये हमारा पुराना तरीका है, सीखा, इंप्लीमेंट किया, देन दूसरे को सिखाया। हमारे टीचर्स क्या करते हैं, स्कूलों वाले, सीखा, कोचिंग दी और आपको जबरदस्ती पेल दिया, वो यस गलत है। यस दोस्तों, तो पवन जी थैंक्स फॉर द बीइंग हियर सर एक चीज दोस्तों। और, एक चीज और दूसरा, जब आप एक कम्युनिटी में आते हो, पेड कम्युनिटी में, तो आपको ना वहां पे आप जैसे लोग मिलते हैं। मुझे इस कम्युनिटी में रणविजय भास्कर, जो मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी है, यस डेफिनेटली वो मिला। अमेजिंग मेंबर। बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर, उनका भी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। धन्यवाद बिल्कुल, धन्यवाद तो एक धन्यवाद कम्युनिटी में आने का इम्पैक्ट ये होता है कि आपको बहुत बेहतरीन लोग मिलते हैं जो जिंदगी भर आपके लिए बहुत बेहतर फरिश्ता बन के आते हैं, ये आपके लिए हो डेफिनेटली सकता है। यस ये कम्युनिटी में होता है दोस्तों, नया दोस्त, बिल्कुल नया फैमिली, नए पार्टनर, मल्टीपल मेंटर हो जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि आप क्या बिजनेस करते हो, ये वीडियो आपको कैसे लगा, कौन सी एरिया में आपको हेल्प चाहिए, मी और मे बी पवन आल्सो विल हेल्प यू ऑन द बेसिकली। आप कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग, आपने क्या सीखा इस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू से। और इनकेस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो घंटे का बटन नहीं दबाया, बेल नहीं दबाया, तो आप क्या कर रहे हो? शायद आपको फायदा नहीं हो, लेकिन जरूर हमें फायदा होता है टू क्रिएट मोर वीडियोज, ब्रिंग मोर सक्सेस स्टोरीज। प्लस आप भी नेक्स्ट हॉट सीट में बैठना चाहते हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, आज आपका जर्नी चालू करें। दत्तातुले इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल एंड विथ फील अच्छा पवन जी साइनिंग आउट टुडे दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। मैं आपको भी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, हम लोग भी आपको बिजनेस में भी और लाइफ में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। ठीक।